अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए भाई, आज का टॉपिक जो है ये है नमाज। मैं नमाज पे पहले भी कई बार माशाल्लाह वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन नमाज के बारे में बताना, नमाज के बारे में बोलना इसलिए ज़रूरी है कि भाई मेरा ईमान बनता रहे और मैं नमाज पे चलता रहूँ। और एक हदीस का मफहूम है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज फ़र्ज़ नमाज जानबूझ के मत छोड़ो, बशर्ते कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या फिर जला दिया जाए। तो देखिए, नमाज जो है ना, हम पे फ़र्ज़ है। इट्स अ मैंडेटरी फॉर ऑल मुस्लिम्स। मैंडेटरी मतलब आप समझते ही होंगे, जब आप हम कोई फॉर्म बनते भरते हैं, कोई फिलअप करते हैं फॉर्म, तो वहाँ पे रेड कलर का डॉट डॉट होता है कि ये मैंडेटरी, ये फिल करना ही है। तो ऐसे ही हम मुसलमानों, हम ईमान वालों की ज़िंदगी में नमाज जो है मैंडेटरी है कि हमें पढ़नी ही है इंशाल्लाह। अगर आप किसी वजह से बीमार हैं या कोई परेशानी है, तकलीफ़ है, तो उसका उसकी अलग बात है, लेकिन नमाज हमारे किसी वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से छूटनी नहीं चाहिए। और मैंने ये बात पहले ही बताई है कि नमाज पढ़ने के बहाने हमें ढूंढने हैं, नमाज छोड़ने के बहाने नहीं ढूंढने। नमाज छोड़ने के बहाने क्या है कि भाई मैं ऑफिस में हूँ, ऑफिस में मैनेजर है, सुपरवाइज़र है, ठीक है। मैं ऑफिस की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं खुद जॉब करता हूँ, या फिर कोई बिजनेसमैन है तो उसका वो अपना गल्ला कैसे छोड़ के जाए, अपनी दुकान कैसे छोड़ के जाए, अपनी फैक्ट्री कैसे छोड़ के जाए। नहीं, हमें तो ये बोलना है कि भाई हमारी जो नमाज है, हमारा जो इस्लाम है, ये हमारे लिए प्रायोरिटी रखता है, ये हमारे लिए पहले है। और जो सारे जितने भी काम हैं, घर के हों, बाहर के हों, जॉब हो, बिजनेस हो, बच्चे हो, सब बाद में है, लेकिन नमाज पहले। जैसे ही अजान की आवाज़ आई, हाई अल सलाह, हाई अल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, अल्लाह अकबर, जैसे ही आवाज़ आई तो क्या करना है, हमें नमाज के लिए जाना। अजान की आवाज़ नहीं आई, हम जैसे ऑफिस में हैं, सफ़र में हैं, कहीं पे हैं जहाँ पे अजान की आवाज़ नहीं आती है, तो भी क्या है, हमें अपनी टाइमिंग्स का पता होना चाहिए कि भाई फजर का टाइम हो गया, जहर का टाइम हो गया, असर का टाइम हो गया। हमें अपनी टाइमिंग्स का पता होना चाहिए नमाजों का। क्यों पता होना चाहिए? कि देखिए, नमाजों का टाइमिंग्स हमारे दिमाग में रहेंगे, हमारे माइंड में रहेंगे कि हमें नमाज़ पढ़नी है, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है आपको तौफीक मिलेगी। आप उस फिक्र के साथ रहेंगे कि ये टाइम हो गया है, नमाज़ पढ़नी है मुझे, जोहर का टाइम अब शुरू है, असर का टाइम शुरू है, फिर उसके बाद ख़त्म है, कब है मगरिब का, कब शुरू है, कब ख़त्म है, तो उससे क्या होगा, आपको नमाज की टाइमिंग की फिक्र रहेगी तो आप नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी क्या मैं देख रहा हूँ, अभी अभी तो सिर्फ ये माहौल हो गया है कि हमें नमाजों का तो बिल्कुल भी, मतलब आप इस तरीके से लगा लीजिए, बिल्कुल ही ध्यान हट गया नमाजों पे से। बस जिस तरीके से हम जी रहे हैं, बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की इज्जत के लिए, दुनिया के पैसों के लिए, यहाँ की ऐशो इशरत के लिए बस जिए जा रहे हैं। अल्लाह के हुक्मों को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को कहाँ पीछे छोड़ दिया हमें पता ही नहीं है। और उम्मीद ऐसी रखते हैं कि भाई बस क्या कहें। तो देखिए, उम्मीद रखनी है अल्लाह ताला से, और लेकिन अल्लाह ताला से पूरा खौफ भी रखना है। खौफ इतना ज़्यादा रखना है कि भाई अगर कोई गुनहगार होगा तो मैं ही होगा, और उम्मीद इतनी रखनी है कि कोई जन्नत में जाने वाला होगा तो मैं ही होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से राजी, अल्लाह जिससे राजी होगा वही मैं होगा इंशाअल्लाह। लेकिन देखिए, इसके लिए ईमान बनाना पड़ेगा, ईमान को सीखना पड़ेगा, ईमान को लेके चलना पड़ेगा, ईमान की दावत देनी पड़ेगी। ईमान बनेगा इंशाल्लाह, नमाज पे भी आएंगे और नमाज की दावत भी देनी पड़ेगी। लेकिन नमाज क्या है, हम तो बहुत मामूली मामूली रीजंस की वजह से इस नमाज को छोड़ देते हैं। अपने मैनेजर, अपने सुपरवाइजर खुश करने के लिए नमाज को छोड़ देते हैं। अपने कारोबार में हैं तो अपने मालिक को खुश करने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जो सबका मालिक है अल्लाह, उसको नाराज़ कर देते हैं। अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी फैमिली, अपनी बीवी बच्चों के लिए, उनको टाइम देने के लिए नमाज़ों को छोड़ देते हैं। शादी ब्याह में गए मैं, वहाँ पे नमाज़ों को छोड़ देते हैं। सफ़र में गए मैं, वहाँ नमाज़ें छूट जाती हैं हमारी। भाई ऐसा शेड्यूल बनाओ ना कि आपको वो वहाँ जाना भी है, जो काम करना है तो वो भी हो जाए और नमाज भी ना छूटे हमारी। इस तरीके से शेड्यूल बनाओ। अभी तो ये हाल हो गया कि जुम्मे की नमाज़ों में लोग नहीं जा रहे, और रीज़न क्या रहता है, भाई माहौल ख़राब है, कोविड का टाइम चल रहा था अभी बीच में, अभी लोग कैसे हैं कैसा नहीं कुछ नहीं पता, और माहौल हिंदू मुसलमानों का माहौल हो रहा है, ये हो रहा है, बताओ क्या रीज़न है ये, इस वजह से हम नमाज़ें छोड़ रहे हैं।
अल्लाह के सामने हमें अपना फेस टू फेस बात करनी है अल्लाह से, अल्लाह के नबी को क्या मुंह दिखाएंगे, सहाबाओं को क्या मुंह दिखाएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमें नमाज़ों को नहीं छोड़ना है, नमाज को प्रायोरिटी पे रखना है, नमाज को पढ़ना है भाई, नमाज को पढ़ना है। तो आपसे दरख्वास्त है, अल्लाह ताला आपको भी तौफीक दे, मुझे भी तौफीक दे इंशाल्लाह, नमाज को ना छोड़ें किसी भी रीज़न की वजह से, नमाज को ना छोड़ें। नमाज एक ऐसा सरमाया है, ऐसा फ़र्ज अमल है जिसके ज़रिए हमारे सारे काम होंगे इंशाल्लाह, सारे काम। अल्लाह ताला इज़्ज़त भी देगा, शोहरत भी देगा, आपकी ज़िंदगी में आपकी किस्मत रिस्क लिखा हुआ है जितना वो भी मिलेगा इज़्ज़त के साथ, और अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है अल्लाह ताला आखिरत में हमें जन्नत का फैसला करेगा इंशाल्लाह इस नमाज की बरकत से। तो देखिए, नमाज ना छोड़ें, नमाज ज़रूर पढ़ें, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम।